क्या आपने कभी सुना है कि आपके आसपास सड़कों पर जो प्लास्टिक कचरा फैला रहता है उसके बदले आपको कभी खाना मिल सकता है? नहीं सुना होगा, लेकिन गुजरात में इस तरह का एक अनोखा कैफे शुरू हुआ है जिसमें कोई भी कचरे के बदले खाना ले सकता है। गुजरात के जूनागढ़ में नेचुरल प्लास्टिक कैफे का उद्घाटन हाल ही में यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया था। कैफे की स्थापना जूनागढ़ जिला प्रशासन द्वारा की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैफे का संचालन सर्वोदय सखी मंडल द्वारा किया जा रहा है, जो महिलाओं का एक समूह है जिसने किसानों के साथ समझौता किया है। इस कैफे के लिए जिला प्रशासन द्वारा जगह और बुनियादी ढांचा प्रदान किया गया है। जूनागढ़ के कलेक्टर रचित राज कहते हैं, हम स्वच्छ और हरित जूनागढ़ को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 500 ग्राम प्लास्टिक कचरे के लिए एक गिलास नींबू का रस या सौंफ का रस और एक किलो प्लास्टिक कचरे के लिए एक प्लेट ढोकला या पोहा देंगे। जितना अधिक प्लास्टिक कचरा उतनी बड़ी थाली मिलेगी। वहीं इसके अलावा पान, गुलाब, अंजीर और बेल के पत्ते से बने कुछ स्वास्थ्य वर्धक पेय पदार्थ भी मिलेंगे। यहाँ खास बात यह है कि ये सभी पेय पदार्थ मिट्टी के बर्तनों में परोसे जाएंगे। अगर मेनू की बात करें तो काठियावाड़ी और गुजराती प्लेटर्स भी इसमें शामिल है, जिनमें बैंगन का भरता, सेव तमेता, थेपला और बाजरा रोटलो होंगे। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन ने एक एजेंसी को काम पर रखा है जो इस कचरे को खरीदेगी। गुजरात के लोगों की ये कोशिश उस समय बहुत जरूरी हो जाती है जब धरती से लेकर समंदर तक हर तरफ प्लास्टिक का कब्जा हो चुका है। इंसानी गतिविधियों की वजह से प्लास्टिक बड़ी तादाद में हमारे आसपास इकट्ठा हो रहा है। ये जानते हुए कि प्लास्टिक जल्दी नष्ट नहीं होता, प्लास्टिक के उपयोग में कमी नहीं आई है। कुछ दिनों पहले ही वैज्ञानिकों ने यह सचेत किया था कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे फेफड़े तक पहुंच चुका है। ऐसे में जूनागढ़ प्रशासन बधाई का पात्र है कि उसने इतनी अच्छी और जरूरी शुरुआत की है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।